कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान बीते एक महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे किसानों को जहां देश भर से समर्थन मिल रहा है, तो वहीं किसानों का हौसला बढ़ाने और आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब के अमृतसर जिले के गांव सदरपुर के रिटायर्ड सूबेदार गगनदीप सिंह साइकिल पर करीब 440 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचे। गगनदीप सिंह का कहना है कि इतने लंबे दिनों से चल रहे आंदोलन की वजह से जो किसान पुत्र देश की सीमाओं पर ड्यूटी दे रहे हैं, वहां पर उनका दिल नहीं लग रहा है और वो भी किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। मोदी सरकार को चाहिए कि वह इन्होंने बेलन वापस लैके, क्योंकि जोड़े किसान जे जे नौजवान फौजी ने ज़्यादातर किसानों के पुत्र आना जोड़ा वा जे अगर पिछे वो ठीक नहीं है, उन्होंने माँ बाप ठीक नहीं आ, वो इतने धरने बैठे ठंड के इस चीज़ का जोड़ा वा उन्होंने गलत प्रभाव जो पैदा वा वो अपसैट रेंदे आ, क्योंकि उन्होंने जो ध्यान हर हर वे घर में लगा रहा कि साढ़े जोड़े माँ बाप जोड़े साढ़े धरने पर बैठे हुए आ, तो असं इतने इतने राखी करते फिरते हैं। अच्छा, आप 440 किलोमीटर आप कह रहे हैं, 420 किलोमीटर तकरीबन आप आ चुके हैं, तो इस रास्ते में आते हुए आपको साइकिल पे दिक्कत हुई होगी किसी तरीके की या नॉर्मल रहे? नहीं, मैं इस तो पहला भी अपने पंजाब में मैं कोई ना कोई काम करता रहना वा, जिस तरह मैं 2 साल पहला श्री करतारपुर साहब के लांघे वास्ते मैं गुरुद्वारा बंगला साहब तो लैके वाघा बार्डर तक 400 किलोमीटर बनता सी, 38 घंटे में कंप्लीट की। मेरी सैकलिंग ये होंगी है कि मैं थोड़ा दूजे अलग करना कि मैं दिन में भी चला वा, रात को भी चलता रहना वा, जिस तरह कि मेरा शरीर जरा वो जवाब नहीं दे जाता, तो आप चलते चाहिए वा। सो अज जी साइसानों संबंधित ही 440 अपनी आप इतने आके समाप्ति करा। साथ ही गगनदीप ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए। गगनदीप ने कहा कि हो सकता है कि ये संघर्ष अभी लंबा चले। लगातार किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भी नए साल पर जो है अभी किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, लगता है आपको बात बन पाएगी? देखो, जिस तरह के कल एक मीटिंग हुई थी, इन्होंने दो मंगा जड़िया शर्तों के इन्होंने सहमति बनाई है कि असी उन्होंने जोड़ा वा बेच लागू नहीं करते। हो सकता है लड़ाई लंबी चले, 6 महीने चले, 7 चले, आपां इन्हां नूं बिल्लां नूं बिल्कुल जिहड़ा वापस दवा के ही घरां नूं जावांगे। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में लगातार लोग आगे आ रहे हैं और किसी न किसी तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। बहरहाल, किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होनी है। देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पंजाब के सिटी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।